माय डियर स्टूडेंट नमस्कार। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं यूनिट फोर्थ जो है, यूनिट फोर्थ के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न हम आपको देने जा रहे हैं। तो और क्वेश्चन जो एनसीसी फिजिकल एजुकेशन, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, जो भी आपका सब्जेक्ट हो उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन हमारे प्ले लिस्ट से ज़रूर देखें। तो पहला प्रश्न है, कोश का प्रकार है? तो उत्तर इसका है द, उच्चारण कोश, भाषिक कोश, विषय कोश, प्रयुक्त सभी। कोश के प्रकार है तो परिभाषा कोश, विश्वकोश, साहित्य कोश, उपर्युक्त सभी। कोश का प्रकार है मिथक कोश, एक भाषा कोश और उपभाषा कोश, उपर्युक्त सभी। तो इसका उत्तर द। किस कोश में अंतर्राष्ट्रीय ध्वनि प्रतीकों के माध्यम से शब्दों का सही उच्चारण दिया जाता है? तो इसका उत्तर ब, चरण कोश। संस्कृत का कौन सा ऐसा कोश है जिसमें शब्दों के साथ उनकी व्युत्पत्ति भी दी गई है? तो इसका आंसर निरुक्त, निघंटु, सा, आ और वा दोनों। कोश का एक रूप है तो इसका है आ, थिसारस। भाषिक कोश में आता है तो भाषिक कोश में आता है आपका उत्तर उपरोक्त सभी। विशेष शब्द तथा भाषा का प्रयोग, विशिष्ट अभ्यक्तियाँ, लोकतियाँ एवं मुहावरे, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी इसका आंसर है। हिंदी विश्वकोश कितने खंडों में उपलब्ध है? तो ये 25 खंडों में उपलब्ध है। हिंदी मुहावरा कोश के संपादक हैं? तो इसका बाहर डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। फ्रेंड्रिका बोसे ने हिंदी फ्रांसी शब्दकोश का निर्माण किस वर्ष किया था? तो इसका सा 1991। ड्यूटी स्टेट के लिए उपयुक्त शब्द है तो आ, संपत्ति शुल्क। फॉरवर्ड के लिए उपयुक्त शब्द है तो निषेध, आ। गवर्नर के लिए उपयुक्त शब्द है तो आ, राज्यपाल। ग्रांट के लिए उपयुक्त शब्द है तो इसका अनुदान, ए। टॉल्स के लिए उपयुक्त शब्द है तो इसका आपातकर, बी। यूनियन के लिए तो आप जानते हैं इसका संघ है। वायोलेशन के लिए तो उत्तरा, अतिक्रमण। थिसोरस शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो आ, थिजोरस। थिसोरस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था तो ये पीटर मार्की रॉजेट ने किया था। थिसोरस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ? तो इसका स, 1852। ए कलेक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ड अरेंजेड अकॉर्डिंग टू सेंस, परिभाषा किस कोश से संकलित है? तो यह ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी से। वित्त किस, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी से। वित्त किस अंग्रेजी शब्द का हिंदी रूपांतर है? तो बा, फाइनेंस। संप्रति का किस शब्द का हिंदी रूपांतर है? तो बा, ग्राफिक्स। इन्वेस्टमेंट का हिंदी रूपांतर है तो आ, निवेश। न्यूट्रिशन का पारिभाषिक शब्द है तो द, पोषण। डिवीजन के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द है तो बा, प्रभाग। एम्प्लॉयर के लिए उचित पारिभाषिक शब्द है सा, नियोजक। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उपयुक्त शब्द है तो बा, प्रशासन। सरचार्ज के लिए प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द है तो सा, अधिभार। एजेंडा के लिए है बा, कार्यसूची। बेल के लिए है जमानत बा। कैंडिडेट के लिए है सा, अभ्यर्थी और उम्मीदवार दोनों। डेबिट के लिए है आपका ऋण। विशेष शीर्षक सूची के लिए पाए जाने वाले पद होते हैं तो सा, सामान्य। किसी संस्कृत से संबंध पुराण कथाओं, पुराण मिथिक, पौराणिक और मिथ किए चित्र घटनाओं का परिचय द, पुराण एवं मिथक कोश में देते हैं। कोश में किसी एक भाषा के शब्दों का वर्णानुक्रमानुसार संग्रहण होता है तथा उसी भाषा में उनके अर्थ भी दिए जाते हैं तो आ, इसका सी, एक भाषिक कोश। लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है खजाना या कोशिका तो सा, थिसारस ने कहा। यह एक स्रोत या डाटा बैंक के रूप में कार्य करता है जिसने अनुक्रमणीकरण यंत्र प्राप्त किए जा सकते हैं तो इसका स्रोत थिसारस। राष्ट्रभाषा कोश का प्रकाशन वर्ष है तो 1951। हिंदी शब्द सागर के प्रधान संपादक कौन थे? तो आ, श्याम सुंदर दास।